चीनी सेना की कायरतापूर्ण कार्रवाई से आंदोलित संपूर्ण भारत और भारतीय सेना की बहादुरी पर गर्व करने वाले हम सभी भारतवासियों की एकजुटता को दर्शाने के लिए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद बोकारो द्वारा गर्गा पुल के समक्ष चीन को उसकी औकात बताने एवं अपने शहीद सैनिक साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी पूर्व सैनिकों ने उनकी शहादत को नमन किया और भगवान से उनकी आत्मा की शांति के साथ साथ उनके परिवार जनों को शांति एवं शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। शहीद अमर रहे के नारों से आकाश गुंजयमान रहा। सभी लोगों से यह आग्रह किया गया कि चीनी सामान का बहिष्कार करें। देखिए, चाइना की ये जो कायरतापूर्ण हरकत है, इस हरकत का माकूल जवाब तो हमारे सैनिकों ने दिया, लेकिन चाइना आज तक कभी भी भरोसे के काबिल न कल था, न आज है और न आगे रहेगा। हम देश की सरकार और सभी लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि आज इस तरह की एकजुटता बनाई जाए ताकि सरकार अगर कोई इस तरह का कदम उठाने जाए जो चाइना के अगेंस्ट में हो, तो सरकार को लगना चाहिए कि पूरा देश उनके साथ है। और सैनिकों का मनोबल इसी से बढ़ता है कि अगर हम कोई कदम बढ़ाते हैं तो हमारे पीछे हमारा देश, हमारे देश की सरकार और हमारे देश की जनता उनके साथ है। न्यूजलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो WhatsApp करें। हमारा संपर्क नंबर है